We are going to talk about one important theory that is called VSEPR theory, a valence shell electron pair repulsion theory. Now, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. चलिए सो आप देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ठीक है, ये थ्योरी कहती क्या है? What are the basic point? बहुत बढ़िया थ्योरी है ये, आज मजा आने वाला है इस थ्योरी को पढ़ने का. ठीक है ना, सबसे पहले ये थ्योरी ये कहती है, सुन लीजिए, ऐसे में बता दूं कि जो किसी एटम के या जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे आपने जो है हमने अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी उसमें हमने कहा था कि एक एटम सेंटर में होता है, जो सेंटर का एटम है वो ज्योमेट्री डिसाइड करता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, वो कैसे डिसाइड करता है ज्योमेट्री को, कि जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ठीक है, मैं लिखवा दूं साथ में. इसके पॉस्टुलेट्स मतलब, द रिपल्शन between electron pairs of valence shell of central atom is responsible for deciding the geometry of molecule. मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में आपको बता दूं. इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दो तरह के होते हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं. कौन से दो तरह के? एक तो हो गए लोन पेयर वो हो गए, आपने नाम सुना है, लोन पेयर वो हो गए जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम के इन्फ्लुएंस के अंदर होते हैं, अभी मैं दिखाने भी वाला हूं आपको. दूसरा जो है हो गया बॉन्ड पेयर्स. अब जैसे आप HCl मॉलिक्यूल ले लें, सबका ध्यान बोर्ड पे, HCl मॉलिक्यूल में आप देखोगे कि यहां पर क्लोरीन के पास
देयर आर थ्री लोन पेयर्स. सही बात है. HCl में क्लोरीन के पास जो, हाँ मैं वही वही डिफाइन कर रहा हूं प्राची जी, आप सुनिए. लोन पेयर्स वो होते हैं जो कि एक एटम के पास ही होते हैं, वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करते. तो दीज आर लोन पेयर्स. लोन पेयर्स बिलोंग्स टू सिंगल एटम, एक बात. दूसरी बात, बॉन्ड पेयर हो गया ये, अब बॉन्ड पेयर में क्या हो गया, बॉन्ड पेयर में हो गया कि यहां पर जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स. इस बॉन्ड में भी तो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है. क्या आपको बोर्ड पे दिख रहा है अंतर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का? इस टाइम पे क्लोरीन के पास तीन लोन पेयर्स हैं, ठीक है. इस क्लोरीन के पास तीन लोन पेयर्स हैं, एक दो तीन, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड पेयर है. तो सेंट्रल एटम के मतलब जो है सेंट्रल एटम के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं, वन इज बॉन्ड पेयर, अनदर इज लोन पेयर, ठीक है ना. इन में रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है, ठीक है ना. और वो रिपल्शन इज रिस्पॉन्सिबल इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. आपको भी बात समझ में आ रही है कि यार इलेक्ट्रॉन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में तो नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, तो अगर नेगेटिवली चार्ज्ड पेयर है एक, दूसरे नेगेटिवली चार्ज से दूर ही जाना चाहेगा ना, रिपल्शन ही होगी ना उसमें. लेकिन ध्यान रखिए, ये पेयर को कंसिडर कर रहा है, ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा है, ये पेयर की बात कर रहा है कि एक पेयर दूसरे पेयर को रिपेल करता है, एक पेयर दूसरे पेयर को रिपेल करता है. इज इट ओके? क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दो इलेक्ट्रॉन तो एक पेयर में रह सकते हैं, ठीक है. सुन लीजिए, हाँ, लोन पेयर को रिपेल कर सकता है. पेयर मींस दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ है, ठीक है. लोन पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है. वो मैं सब कुछ बता रहा हूं, लेकिन हम अभी यही कह रहे हैं कि रिपल्शन इज रिस्पॉन्सिबल. हम मोटे मोटे तौर पे समझते जाए जो मैं समझा रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज है, ठीक है ना, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है. और रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जितने जा सकते हैं वो जाने की ट्राई करेंगे, या मैक्सिमम एंगल पे जितना जा सकते हैं वो जाने की ट्राई करेंगे. मैं दूसरा पॉइंट लिखा रहा हूं, बात आपको क्लियर होती जाएगी. आप सुनिए, दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर्स orient themselves around central atom in such a way that repulsion between them is minimum. इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है अपने आप को सेंट्रल एटम के अराउंड जो है ऐसे अलाइन करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन जो है मिनिमम हो, ठीक है. अभी आपको बात समझते, आप जस्ट नोट डाउन करते जाएं जो है इसको जो है, ठीक है. तो उनके बीच में रिपल्शन जो है मिनिमम. समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो दिमाग में नोट डाउन करते जाएं जो है, ठीक है. अब सुनते जाएं आप मेरी बात. अब सुने, तो यहां पर देखिए,
अब बात यह है थर्ड पॉइंट, मैंने कहा बहुत मजेदार थ्योरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप देखें द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके रिपल्शन का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मैं फिर से कैटेगराइज कर दूं, मैंने कहा था लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। पहली बात तो ये है, जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर जो होगा वो बिग साइज का होगा। एक बात देखो मैं बना के बता दूं ताकि मामला क्लियर हो जाए, HCL का केस अगेन। जैसे जो HCL है ये, तो इनमें जो बॉन्ड पेयर है जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर है, जो लोन पेयर है वो बड़ा होगा। ये देखें, तो लोन पेयर की जहां तक बात है, ये जो तीन लोन पेयर बने हैं ये बड़े साइज के हैं। रीजन बीइंग ये एक ही एटम के इन्फ्लुएंस के अंदर है, सही बात। इन लोन पेयर्स को सिर्फ क्लोरीन खींच रहा है, जबकि इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों खींच रहे हैं, ठीक है। अभी अभी मैं एंगल वेंगल सब कुछ बता रहा हूं, अभी आप सिर्फ ये देखें कि बॉन्ड पेयर छोटा साइज का होगा, बॉन्ड पेयर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। मतलब सीधी सी बात यह है कि बॉन्ड पेयर कम जगह घेरता है क्योंकि वो स्लिम है, ठीक है। लोन पेयर इज बल्कि, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसलिए कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, अभी कोऑर्डिनेट छोड़ दो, ठीक है, कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं कर रहे हम अभी सिंपल कोवेलेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुन लो अभी, तो यहां पर के अब ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होगा। देखो भाई, अगर बल्कि बल्कि एक दूसरे को रिपेल करेगा तो मैक्सिमम रिपल्शन होगी। सो मतलब लोन पेयर रिपल्शन जो है मैक्सिमम होगी, एक बात। उसके बाद दूसरे नंबर पे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, ठीक है, क्योंकि ठीक है, लोन पेयर सबसे पहले, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड लीस्ट होगी बॉन्ड पेयर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऑब्वियस सा, ये तो सिंपल सी समझने की बात हो ही गई, मतलब अंडरस्टैंड इजी होगी कि भाई पहले बल्कि बल्कि, फिर बल्कि लेस बल्कि, एंड देन लेस बल्कि लेस बल्कि, ठीक बात है ना। अच्छा, अब इसके बाद, लेकिन बॉन्ड भी तीन तरह के होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और आपको क्या लगता है सबसे बल्कि कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल डबल ट्रिपल में से सबसे बल्कि कौन होगा? ट्रिपल। ऑब्वियस ही बात है ट्रिपल बड़ा होगा। चलिए आपकी बात मान ली, तो इसलिए इसको हम और सेग्रीगेट कर सकते हैं बॉन्ड पेयर में, कि लोन पेयर एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा, देन लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड, एंड द लीस्ट इज लोन पेयर एंड सिंगल बॉन्ड। सही बात है। इजी, लोन पेयर अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ आएगा, हाँ लोन पेयर साइज में बड़े होते हैं रौनक, लोन पेयर तो बहुत ही बड़े होते हैं, ट्रिपल डबल सिंगल से सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही एटम खींच रहा होता है ना। तो इसलिए जो है, हाँ लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर मींस टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना।
तो हर लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, हाँ, और हर बॉन्ड पेयर में भी ये। तो मैंने कहा विकास जी, मैंने कहा कि जो रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो लोन पेयर मैक्सिमम, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है, क्योंकि साइज की वजह से मैंने कहा, ठीक है। और फिर बॉन्ड भी तीन तरह के होते हैं, ट्रिपल, डबल, सिंगल। तो ट्रिपल सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए लोन पेयर और ट्रिपल बॉन्ड की रिपल्शन मैक्सिमम होगी अगर बॉन्ड में कंपैरिजन किया जाए, और लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड की उससे कम होगी, एंड देन लोन पेयर एंड सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। अब देखिए आप, आप एक चीज को देखें, अब जो है ये जो मैंने बात कही इससे बहुत कुछ निकल के आने वाला है। सबसे पहली बात, एक बात कि यहां पर मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं, ठीक है, टेबल बहुत लॉजिकल है, लेकिन बोर्ड मेरे पास छोटा है, पता नहीं कितनी जगह। आप पता कैसे बनाइएगा, आप कॉपी में लैंडस्केप में बनाइएगा। लैंडस्केप समझ गए आप? लैंडस्केप समझ गए, ठीक है, हाँ, मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइनें लगा आपने, ठीक है, सुन लीजिए। अब मैं टेबल बना रहा हूं, और टेबल के साथ जो है मैं VSEPR के फंडे को प्रूव कर रहा हूं, आपको बताता जा रहा हूं, लेकिन पहले मुझे टेबल बनाने दीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। एक बार मैं, हाँ प्राची, अभी अभी आ जाएगी बात जो है, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, अब सुनो, तो यहां पर जो है अभी मुझे टेबल बनाना है, एक बार तो हमें जो है, ये बनाना है, उसके बाद जो है हमारा काम चल जाएगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा बाइफर्केशन कर देते हैं, 10-1, दिस वन, सुनते जाइएगा। देखे, सो इट इज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के, ठीक है, एंड देन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, बीपी मींस ब्लड प्रेशर, नहीं, बॉन्ड पेयर्स, एंड देन नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, एंड देन ज्योमेट्री एंड द एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप अपने पार्टीशन में इसको ज्यादा स्पेस दीजिएगा, इस कॉलम को, ठीक है, ये सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये छोटे भी चलेंगे, ये वाले, ये भी छोटा चल सकता है, ठीक है, बट इस वाले को आप ज्यादा स्पेस दें, सुनते जाइए। और मैं मिटाता भी जाऊंगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये जगह ज्यादा घेरेंगे, आप साथ साथ में नोट करते जाएंगे और समझते जाएंगे। आर यू रेडी? सब लोगों ने टेबल बना दिया, सब लोग रेडी हैं, कोई बात नहीं, अभी मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, ठीक है, चलिए
सभी लोगों ने लगभग यस कहा, ठीक है ना। तो देखो रिपल्शन के लिए एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन होनी है तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहिए हमें? दो तो चाहिए ही होंगे ना रिपल्शन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होनी है दो। एक से तो कुछ नहीं होगा। हाँ वो कॉल आ गया था बीच में इसलिए जो है सुनिए। अब यहां पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने कहा दो, कितने दो, और अभी हम जो पहले ले रहे हैं दोनों के दोनों बॉन्ड ही ले रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स जो है दो ले रहे हैं, लोन पेयर जीरो, क्योंकि सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज इलेक्ट्रॉन पेयर। हम जो है बॉन्ड ही ले रहे हैं अभी, लोन पेयर नहीं ले रहे हैं, जीरो कंसिडर कर लिया, फिर उनको भी बढ़ाएंगे, फिर उनके भी केस लेंगे। अभी मैंने पहला केस लिया कि कोई लोन पेयर नहीं, इज इट ओके? सुनो अब ध्यान देना, कृष्णल देखना ध्यान से। जैसे मान लीजिए, अब आप ध्यान से समझिए कि यहां पर, अच्छा एक मिनट, मेरी बेटी ने अभी मॉडल निकाला ही था, एक मिनट दीजिए मुझे, मेरे पास जो है आपके अचानक दिस मॉडल इज देयर, ठीक है एक मिनट दीजिए। जैसे यहां पर अगर मान लीजिए, नहीं दो मिनट क्यों लेने यार, मैगी तो नहीं बनानी मैंने। नहीं वन 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 नहीं होंगे, वन नहीं हो सकता क्योंकि रिपल्शन के लिए दो चाहिए ना। ठीक है सुनो अब सुनो, सुन लो मेरी बात। अब आप लोग जो है मेरी बात पे कंसंट्रेट करेंगे और कुछ नहीं। चलो ऐसे बना देते हैं, ऐसे सुनो, मान लीजिए देखो ये क्या है, ये मॉडल है छोटा सा। आप ये समझें कि यहां पर जो है, सुन ले नहीं लॉलीपॉप नहीं है ये, केमिस्ट्री वाले मॉडल हैं। सुन लीजिए, जैसे ये नीले रंग वाला सेंट्रल एटम है, सपोज नीले रंग वाला सेंट्रल एटम है, ऑरेंज कलर वाले जो है साइड वाले एटम्स हैं। तो अब मान लो मैंने ऐसे रखा इनको, सेंट्रल एटम आपको हो सकता है दिख नहीं रहा हो, अभी दिख रहा है, आप बताओ। देखो लगेंगे तो दोनों सेंट्रल एटम के साथ ही, ऑरेंज जुड़ेंगे तो सेंट्रल एटम के साथ ही। ये बताओ कि मैं ऑरेंज को किस एंगल पे ले जाऊं कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम, ये ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑरेंज वाले बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, तो कितने एंगल पे होंगे? 180 पे। बिल्कुल सही बात है, इनको इतने पे होना चाहिए, सही बात, ये जो है 180 पे होने चाहिए तभी इनमें रिपल्शन जो है मिनिमम होगी, सही। इससे बढ़िया एंगल तो नहीं है कोई, किसी के दिमाग में कोई और एंगल तो नहीं आ रहा, सही बात है? नहीं, नो। सो दैट मींस कि इनकी जो ज्योमेट्री है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा AB2। AB2 क्यों बोल रहा हूं मैं, सेंट्रल एटम इज A और उसके राउंड दो B लग रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम A है, B उसके राउंड दो लग रहे हैं, B फॉर बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं मतलब। तो इसका मतलब सेंट्रल एटम के राउंड जो बी है वो किस एंगल पे होने चाहिए? 180 डिग्री पे, 180 डिग्री के एंगल पे ये होने चाहिए। सेंट्रल एटम के राउंड जब दो बी जो है 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं, उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा अब नहीं कृष्णा, सेंट्रल एटम जो है, हमने जैसे लास्ट लेक्चर्स में बात की थी ना सेंट्रल एटम की, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन सेंटर में है,
इज इट ओके? सुनो विकास जी, मैंने ये कहा था कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर, इनका सम जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। विकास मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया होगा। तो यहां पर मैंने ये समझाया कि अगर एक सेंट्रल एटम ए है, उसके अराउंड दो बी लगे हुए हैं, तो उन बी को जो है विकास जी एक दूसरे से 180 डिग्री पे होना होगा, तभी उनके बीच में रिपल्शन जो है मिनिमम होगी। ऐसा मैं समझाने की ट्राई कर रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक दूसरे को जो है, ठीक है, अरे इलेक्ट्रॉन पेयर दो हुए तो इलेक्ट्रॉन तो चार हुए, लेकिन थ्योरी कहती है कि पेयर पेयर में रिपल्शन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही लिखा ना, पेयर पेयर में, ठीक है, नहीं, दिस वन इज वन बॉन्ड पेयर, दिस वन इज अनदर बॉन्ड पेयर, तो दो। हाँ विकास जी समझ में आ रहा है, दिस वन इज वन बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर है, ये दूसरा बॉन्ड पेयर है, तो दो हो गया ना यहां पे, ठीक है, तो इसलिए हमने दो बॉन्ड पेयर्स लिखे, ठीक है, और बॉन्ड ये लोन पेयर के भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। हाँ, दो पेयर्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, क्योंकि एक पेयर भी नेगेटिवली चार्ज्ड है और दूसरा पेयर भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। इज इट ओके? हाँ, है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। चलिए, तो पहला आपको बड़े बहुत सही तरीके से समझ में आ गया। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं BeCl2 and HgCl2। सुनते जाइए, BeCl2 and HgCl2, ये आपको जो है समझ आ रही है बात, ठीक है, डन। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे देखते हैं। देखो रिपल्शन तो यार पता क्या है, किसी ने कहा कि सर रिपल्शन मिनिमम क्यों होनी चाहिए, रिपल्शन मिनिमम होनी चाहिए एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। अगर बहुत लॉजिकली बात बताऊं तो मैंने कहा था कि भाई जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी कम होती है, जब रिपल्शन होती है तो एनर्जी ज्यादा होती है, तो हर कोई सिस्टम जो है लो एनर्जी की तरफ जाना चाहता है। तो यहां पे भी ये तो दुनिया का असूल है कि अगर आप इन दोनों चार्जेस को नजदीक लाओगे तो ये खुद ब खुद 180 पे होंगे, अगर आप इनको नेगेटिवली चार्ज कर दोगे ये खुद ब खुद 180 पे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना खुद जो है अगर रिपल्शन है, बस ठीक है, डन। पहली बात समझ में आ गई। अब ले रहे हैं हम एग्जांपल तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, जहां पे एग्जांपल आ गया ए बी थ्री, और तीनों बॉन्ड पेयर ही ले रहे हैं, अभी देयर इज नो लोन पेयर, ठीक है। तो अब ऐसे में जो है आप देखें, ऐसे में जो है व्हाट इज देयर, कि यहां पर आप बताओ अब क्या एंगल होना चाहिए, 120, बिल्कुल सही बात, ठीक है, और ये रहा हमारा 120 डिग्री का एंगल। ये देखिए मॉलिक्यूल को जो है ऐसा होना चाहिए, सही बात है, दिस इज 120 का एंगल, ये ऐसे प्लेनर है, देखो ऐसे प्लेनर है, यहां से देखें रिपल्शन मिनिमम आकर्षित, अगर तुम ऐसे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की बॉल्स लोगे, उनको कॉमन सेंटर से बाइंड कर दोगे, ठीक है ना, ये भी मान लो ये हिस्सा भी नेगेटिवली चार्ज है, व्हाइट कलर की रॉड भी नेगेटिवली चार्ज है, तो 120 पे खुद जाएंगे, है ना, रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए, उनके बीच में मैक्सिमम एंगल इस टाइम पे 120 ही हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो इसमें एंगल आ जाएगा दैट इज ए बी टू, आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारी वीएससी पीआर थ्योरी समझा रही है कि आखिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स हैं वो अलग क्यों होती, इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर के एग्जांपल हमारे पास हैं जैसे BF3, ठीक है, समझ आ रही है बात,
हाँ सब नेगेटिवली चार्ज है, नहीं सेंट्रल एटम पे नहीं। देखो सुन लीजिए फिर से, मैं फिर से आपको करेक्ट कर दूं। अभी जो है ये जो थ्योरी कह रही है ये तो मैंने दिखाने के लिए लगाए, ये तो दिखाने के लिए लगाए हैं। एक्चुअल में जो व्हाइट आपको लाइंस दिख रही है ना, एक्चुअल में जो व्हाइट जो लाइंस दिख रही है ना आपको, इसके जो बॉन्ड्स हैं ये रिपल्शन उनके बीच में, ये जो बॉन्ड्स हैं व्हाइट कलर के, सुनिए हाँ 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 बिल्कुल सही आ रहे हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं व्हाइट कलर के ये सेंट्रल एटम के अराउंड बैठे हुए बॉन्ड पेयर्स हैं, सही बोला कि नहीं? तो इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है? एटम एटम नहीं, इस व्हाइट कलर के जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर्स हैं, उनमें रिपल्शन को मिनिमम नहीं। विकास जी एंगल ही पता करने के लिए तो हमने टेबल बनाया कि हम यहां पे ये कंफर्म कर रहे हैं कि भाई कौन सा एंगल पे रिपल्शन मिनिमम होगी, एंड आई थिंक हमारे दिमाग में लॉजिक बन जाता है कि हाँ यार 180 पे मिनिमम होगी, सही बात है, ऐसे 120 पे होगी। अब आता है अगला सवाल, जब चार होंगे तो एंगल क्या होगा? दो आंसर दो आंसर दो आंसर, सब गलत, परमार्श सही है, सब गलत बाकी, सब गलत बाकी। हाँ सुने, अब जो मॉलिक्यूल होगा, प्लीज आप मेरी बात पे ध्यान दें, अब जो मॉलिक्यूल होगा वो 2D नहीं होगा, अब वो जो मॉलिक्यूल होगा वो 3D होगा, 3D। मैं ट्राई करता हूं इससे, अदरवाइज आई हैव अनदर वे ऑल्सो, ठीक है? आप देखें इस 3D मॉडल को, आप देखने की ट्राई करें, ये जो मॉडल है ठीक है, इस मॉडल को आप देखें, ये आप देख रहे हैं, आप देख सकते हो, अगर आप इस एंगल को भी देखो तो ये 90 से बड़ा है, सही बात है, ये 90 से बड़ा है, जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूं तो थोड़ा पीछे टिल्टेड है, सही बात है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? सारे एंगल्स बराबर, 120 नहीं, ये एंगल, हाँ ये एंगल कितना है? उत्कर्ष ने सही कहा, इट इज टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। सारे लोग पेन से जो है टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाने की भी ट्राई कर सकते हैं, व्हाट यू पीपल्स कैन डू, जैसे हम लोग ट्राई क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर जो है इफ आई हैव एक्सेस टू अनदर मार्कर, जैसे मैंने चार मार्कर ले लिए, आप चार पेन ले सकते हैं, उनके बीच में सभी में एंगल बराबर करने की ट्राई करते हैं ऐसे, सो ये जैसे बन गया, सो इट इज नाउ द टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है, इट इज द टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, सही बात, 109 डिग्री, 90 से बड़ा एंगल है, ठीक है, ये 3D है, सही है। तो इसको मैं बना रहा हूं, अब सुनिए, यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे बना रहा हूं अब, तो AB4 में, मतलब जहां पे चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, सुनते जाइए, AB4 जो है उसमें 0 बॉन्ड पेयर, यहां पर A, सुनिए यहां पर मैं एक नोटेशन यूज करने जा रहा हूं, बोर्ड पे देखिए, B इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इस टाइम पे A और B एक दिख गया आपको, एक बी जो है मैं बोर्ड के अंदर की तरफ बना रहा, डॉटेड लाइन मींस वो बोर्ड के अंदर की तरफ है, अंदर घुसा हुआ है, आपसे दूर गया हुआ है अंदर को, ठीक है, डॉटेड लाइन मींस इनसाइड द बोर्ड, ठीक है, एंड देन बिल्कुल 3D, एंड देन देयर इज वेज, इट मींस इट इज आउटसाइड द बोर्ड, बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ठीक है, ऐसे आया है आपकी तरफ आया है, एंड देयर इज अनदर बी ऑन द बोर्ड, इज इट ओके, ऐसे।
सो एंगल इज 109.5 डिग्रीज. ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सब में सेम होगा, सब में सेम होगा अभी तक. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है जैसे मिथेन ले लीजिए आप, अमोनियम आयन ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप फिलहाल इनको नोट कर ले. ठीक है, और इस ज्योमेट्री को नहीं 3D बनाएंगे जब ये है 3D एक्चुअल में. समोनी सिंह की, ठीक है, नाम इसका है टेट्राहीड्रल. सही बात, आप 109.5 आप अभी याद रखें, सॉलिड स्टेट टॉपिक है, उसमें मैं डिराइव भी करवा दूंगा इसको, लेकिन अभी आप छोड़ दीजिए. देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग 2D 3D के चक्कर में पड़ रहे हैं, मैं ये बता दूं मॉलिक्यूल को 2D 3D जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सिर्फ एक बात चाहिए, उसको सिर्फ एक बात चाहिए, दैट इज आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, उसको सिर्फ एक बात चाहिए कि उसमें रिपल्शन मिनिमम हो. सही बात है, उसमें जो है रिपल्शन जो है मिनिमम होनी चाहिए, वो चाहे 2D से हो 3D से हो. जैसे मान लो अगर मैं वापस AB2 में आऊं, AB2 में मिनिमम रिपल्शन 180 पे ही हो जानी है, वो उसको किसी और एंगल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक 2D और 3D. ठीक है, वो 180 पे ही मिनिमम हो गई, और AB3 में जो है वो 120 पे हो गई. ठीक है, यहां तक उसको 3D में जाने, क्योंकि 3D में भी जाता तो भी इससे बेटर एंगल नहीं बनता. लेकिन AB4 आने पर उसने वो 3D में गया, क्योंकि मैंने कहा वो 2D और 3D में अंतर ही नहीं रखता, उसको सिर्फ एक बात चाहिए कि मेरी रिपल्शन मिनिमम हो. इज इट ओके? हाँ, ये 2D में एग्जिस्ट करते हैं, ये 2D वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2D में एग्जिस्ट करते हैं. डन, ओके. अब बढ़ते हैं आगे, आई होप आपको मजा आ रहा है, है ना? ठीक है, बात लॉजिकल चल रही है. डन, चलिए तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे. अब इसमें जो है नेक्स्ट बात आती है बेटा जी, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, दैट इज AB5, और 5 के 5 बॉन्ड पेयर, देयर इज नो लोन पेयर. ठीक है, अब अरेंजमेंट को आप समझिएगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अरेंजमेंट को पहले समझना है. अरेंजमेंट कैसे होगी, देखो सबसे पहले, एक मिनट, लेट मी यूज द मार्कर्स. सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ये बोर्ड पे हाथ से भी नहीं बन पाएगी, 5 मार्कर्स पकड़ने हैं. पहले आप ट्राइगनल प्लेनर इमेजिन कर लो. कर लिया आपने ट्राइगनल प्लेनर इमेजिन? सबको हो गया? दिख रहा है ये ट्राइगनल प्लेनर है? सबको मेरे हाथ में मार्कर दिख रहे हैं जो कि 120 डिग्री के एंगल पे हैं? अब क्या करना है आपने बेटा जी, अब आप क्या करोगे सुनिए. हाँ, पीछे पहले वाला AB4 था ना, अभी AB5 है. अब सुनिए, अब आप क्या करेंगे, एक मार्कर को आप यहां पे लगा दो, इनसे ऐसे उठा दो ऊपर. सही है बात, बन गए 4. अब क्या करना है, क्योंकि अब इट इज टफ टू मेक, लेकिन यहां पर एक को आप बिल्कुल सेंटर से नीचे को लगा दो ऐसे. क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? इनके बीच का एंगल 90 है, इनके बीच का 120 है. सुन ले, मैं फिर से कह रहा हूं, ये प्लेनर है, प्लेनर से आप एक ऐसे ऊपर की तरफ लगा दें,
और एक सेम जो है नीचे की तरफ लगा दें। जब आप ऐसा करेंगे सो यू विल सी कि यू विल गेट एन अरेंजमेंट जिसको हम ट्राइगनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। बिल्कुल सही परमाश ने कहा, लेकिन मैं बताता जा रहा हूं। अभी सुनिए, अभी मैं बोर्ड पे बनाने लगा हूं। बोर्ड पे कैसे बनाएंगे इसको? ए, अब जो ट्राइगनल प्लेनर है पहले उसको बना लेते हैं। बी, ये मैं बोर्ड से बाहर निकाल रहा हूं बी, और ये बोर्ड के अंदर जा रहा है बी। क्या आपको लग गया पता कि ये एक ही प्लेन में है और इनके बीच में एंगल 120 है? ठीक है आकर्षित जी, आकर्षित ने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा कि अलग अलग एंगल क्यों होते हैं। एक्चुअल में आकर्षित अभी हमें इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ये मिनिमम रिपल्शन वाला स्ट्रक्चर है, हमें ये याद रखना है, ये मिनिमम रिपल्शन वाला है। धीरे धीरे जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना या केमिस्ट्री में भी आगे बढ़ोगे, यू विल सी कि दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर टू फॉर मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। हाँ तो अब सुन ले, यहां पर ये ट्राइगनल प्लेनर हो गया, इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री का हो गया है, सुनते जाए। और यहां पर जो है ये जो है इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है ना। इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इज इट ओके? इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। और सुनिए, इसमें एक बात और सुनिए, ये जो बॉन्ड्स हैं 1, 2, 3, इन तीनों बॉन्ड्स को हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? These are equatorial bonds. और जो vertical है ऊपर नीचे उनको कहते हैं axial bonds. जो तीनों एक plane में होते हैं उनको equatorial bonds बोलते हैं, जो ऊपर नीचे होते हैं उनको axial bonds बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है जी PCl5। और एक बात मैंने कई बुक्स में देखा है, उन्होंने पहले ही लिख दिया होता है, तो मैं यहां पे स्टार लगा के वो बात जो है लिखवा दूं, दैट इज एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स जो है इक्विटोरियल बॉन्ड्स से जो है लंबे होते हैं। वाई आकर्षित जी, अगेन अभी छोड़ते हैं पेंडिंग बात, इसको भी आप एज ए फैक्ट इसको याद रखें, ठीक है, और बहुत काम में आने वाली चीजें। मैं देर इस आकर्षित में इसका भी रीजन दूंगा, इसी टॉपिक में दूंगा, केमिकल बॉन्डिंग में ही दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आज हमने जस्ट डायग्राम की इंट्रोडक्शन स्टार्ट की, ठीक है। अभी इसके जो लॉजिक्स है ना हाइब्रिडाइजेशन में मैं खुद दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया लॉजिक्स है इसके पीछे जो है, ठीक है ना, मतलब जबरदस्त है। तो इसलिए जो है उसको टाइम आने पे जो है खुद 4-5 लेक्चर्स में ये भी है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया पांच वाला। अब इसके बाद हाँ लैटिस एनर्जी पढ़ाऊंगा, मैं लैटिस एनर्जी में पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा टॉपिक के, आपके इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ ना आयनिक बॉन्ड में, लास्ट में करूंगा आयनिक बॉन्ड की बात, जो बॉन हैबर साइकिल वगैरह है मैं लास्ट में करूंगा। अब सुनते जाएं आप बात, अब व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग है बेटा जी,
दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डायग्राम कैसे होगी, 6 के 6 बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर अभी कोई नहीं। देखो आप इमेजिन कर लें, सबसे पहले 6 में क्या होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब्र का फल मीठा होता है, सही बात है। ये देखो पहले तो चार आप ऐसे इमेजिन कर लो 90 डिग्री के एंगल पे, चार ऐसे इमेजिन हो गए, सबको इमेजिन हो गए। अब क्या करना है, इन चार को एक प्लेन में ले लो, देखो ठीक है, बिल्कुल एक्चुअल आपको लग रहा होगा क्लास वाली फीलिंग आती है, ठीक है ना, और एक जो है इसके टॉप पे लगा दो, और बेटा जी ऐसे ही एक नीचे लगा दो, अपने दिमाग में लगा दो, ठीक है, लग गए। सभी के बीच में एंगल 90 डिग्री का, टक 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 नीचे वाले, ठीक है ना, सब, तो सब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ऑक्टाहीड्रल, ठीक है। एक लगा दो इधर नीचे अपने दिमाग में ही, ठीक है, अभी मैं बना रहा हूं, इसको बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल, एक के अराउंड, आई होप आपको ये लग रहा है कि ये जो है ना ये एक प्लेन में है ऐसे, और ये ऊपर और ये नीचे है, सही है बात। तो इनके बीच में जो एंगल है ये है 90 डिग्रीज, ऑल आर 90 डिग्रीज, ठीक है। वर्टिकल ऐसे जो अपोजिट है उनमें 180 है, SF6 बिल्कुल सही बताया, ठीक है, SF6 नहीं, पांच वाली विकास जी, रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए, क्योंकि पांच में अगर एक प्लेन में आ गए ना, ऑक्टा क्यों, हाँ एरिन ने पूछा ऑक्टा क्यों, एरिन मैं पहले बना ले इसको फिर मैं जवाब देता हूं, ऑक्टा क्यों, ये सही बात है, अभी बॉन्ड तो छह बने हैं, ऑक्टा वर्ड कहां से आ गया, है ना, बने तो छह हैं, ठीक है। So, ऑक्टा कहां से आ गया, लेट मी सी, अगर मेरे पास रेड मार्कर होगा तो मैं, नहीं है कोई बात नहीं, मैं इसी मार्कर से बता देता हूं आपको कि क्यों है ऑक्टा, सुने आप, इट इज ऑक्टाहीड्रल, वो मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मिटा दिया, नहीं तो मैं आपको ये भी बता देता कि वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं उसको, लेकिन मिटा दिया। हाँ अब सुनो परमार्श, ध्यान दो बोर्ड पे, अब मैं, ठीक है, देखो इसको अगर आप इसके इस ट्रायंगल को देखो, ये वाले इनको जोड़ो ऐसे, ये एक साइड बन गई, ठीक है, ऐसे ही इस बी से इस इनको जोड़ो, ये दूसरी साइड बन गई, ऐसे यहां से जोड़ो इसको, जोड़ो ये तीसरी बन गई, और एक जो है बैक साइड पे भी होगी, छत जैसे डलती है, बी टॉप पे और फिर जो है एक स्क्वायर रखो, तो चार साइडें हो गई ना, चार ऐसे ही नीचे को होंगी, बोलो आठ बनी कि नहीं, इसकी, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, भाई आप जो है सुन लो सुन लो सुन लो, आप क्या करें अपने दिमाग में एक स्क्वायर इमेजिन करें, हो गया स्क्वायर इमेजिन, उस स्क्वायर के सेंटर से उठा के ऊपर एक, जितनी उसकी साइड है उसी सेंटर से उठा के एक और जो है एटम रख दो, फिर जो है सारे कॉर्नर्स को उससे मिला दो, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो यू विल गेट ए पिरामिड विद स्क्वायर बेस, जिसकी की चार साइडें, चार साइडें ऊपर को बनी होंगी, चार जो है नीचे को बनी होंगी ट्रायंगल्स, सही बात। तो हो गया आठ, हो गया ऑक्टाहेड्रल, बोलो सही बोला कि नहीं, ठीक है, इज इट ओके, हाँ चलिए
So it is SF6. And the last one, सुन ले लास्ट वन, अब क्योंकि आप समझ गए बात को, ठीक है। स्नेहा ने कहा रिपीट, क्या रिपीट करूं स्नेहा, बोलो क्या रिपीट करना है। किस पॉइंट को? अरे बोल नहीं रही आप, क्योंकि बेटा जी जब चार का ये बेस है, मैंने कहा आप एक स्क्वायर इमेजिन कर लें अपने दिमाग में, ठीक है। आप एक स्क्वायर बेस, ऐसा आप स्क्वायर बेस जो है इमेजिन कर लें, ठीक है। तो जब आप ऐसा जो है स्क्वायर बेस इमेजिन करोगे, उसके सेंटर में यहां पर जो है, यहां से उठा के एक यहां भी बॉन्ड लगा दो, इधर भी एटम है, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे चारों साइडों से जोड़ोगे उसको, तो यू विल गेट ए स्क्वायर बेस पिरामिड ना। उसकी साइडें कितनी होंगी जो ट्रायंगल ऊपर को उठे होंगे? चार, ऐसे ही चार नीचे को सेंटर से। सही बोला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सुन ले प्लीज। आज सारे जो है YouTube पे ऑक्टाहीड्रल ट्राइगोनल बाईपिरामिडल देखना, इमेजेस को 3D देख लेना, ठीक है। क्यों कोई बैकअप के लिए याद करा रहा है? बस मैं एक दो दिन दे दीजिए, बस जो है बैकअप क्लास लग जाएगी, यू विल गेट इन द टाइम टेबल, ठीक है। अच्छा, द लास्ट वन इज सेवन, सेवन बॉन्ड पेयर्स, जीरो नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसकी ज्योमेट्री क्या है? सात में, सात में, सुन लीजिए। हाँ तो नहीं, अभी अभी सुन लीजिए, सात वाला सुन लीजिए। पांच आप एक लाइन में इमेजिन कीजिए, ठीक है ना, मतलब जैसे ऐसे पांच, एक दो तीन चार पांच। अब मैं बना ले नहीं पाऊंगा हाथ में, तो पांच आप एक इसमें इमेजिन कर लें, मैं उसको बना रहा हूं। जैसे फाइव हमने जो है ऐसे इमेजिन कर लिए, और उसके बाद यहां पर ए है, एक ऊपर की तरफ बी लगा दीजिए, एक नीचे की तरफ बी लगा दीजिए। ये पांचों एक प्लेन में है, ठीक है, और ये सेंटर से ऊपर और नीचे को उठे हुए, ठीक है। पीछे वाला ए बी सिक्स था, ये ए बी सेवन है, ये ए बी सेवन है, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल है कितना होगा? सेवेंटी टू डिग्रीज, ठीक है। और ये एक्सियल के साथ, ये वाला इसका एग्जाम्पल है आई एफ सेवन, और इसका नाम है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। आई एफ सेवन, प्राची जी आई एफ सेवन, ठीक है। अच्छा, सो मैंने कहा समवन साइड की उसकी वीडियो पॉज हो गई थी, मैंने कहा था सात इलेक्ट्रॉन पेयर्स में सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड पांच आप ऐसे लगा दो बराबर एंगल के, 72 डिग्री के एंगल पे, सेंटर से एक ऊपर उठाइए, एक नीचे कीजिए, और पेंटागन का बेस है, अगर आप इन लाइन को जोड़ोगे तो पिरामिड बन जाएगा, ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ बन जाएगा, तो बाई पिरामिड, दो पिरामिड बन गए। मतलब ऐसे ही ट्राइगोनल बाई पिरामिड, हम इसमें रिपल्शन कम करने के लिए बी सेम इसमें, सुनिए बेटा जी, ये जो है साइंटिफिकली कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं कि मिनिमम रिपल्शन के लिए जो है ये ही स्ट्रक्चर्स जो है वैलिड है, इसके अलावा आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा वो गलत ही है।
आठ वाला, आकर्षित ने कहा कि आठ वाला क्यों नहीं होता है। आकर्षित जी, अब रिपल्शन इतनी ज्यादा हो गई हैं कि देखो 72 तक पहुंच गए, अब रिपल्शन इतनी ज्यादा हो गई हैं इनमें कि आठ वाला जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो है स्टेबल नहीं होता है, इतने क्लोज इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं आ पाते, ठीक है। तो इसलिए आपको आठ वाला नहीं मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। सो दुनिया में बॉन्ड्स वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो यही होती हैं, बॉन्ड्स वाली। अभी हमने लोन पेयर के जिक्र नहीं किया, अगली क्लास में मैं लोन पेयर का जिक्र करूंगा, ठीक है। 72 डिग्री, क्योंकि 72 इंटू 5 इज 360, एक प्लेन में पांच अगर आप बॉन्ड्स लगाओगे तो उनमें 72 डिग्री का ही एंगल होना है, क्योंकि 72 इंटू 5 इज 360, ठीक है। इसलिए किस में बढ़ जाएगा, समोनी सिंह के किसी में एंगल बढ़ जाएगा, किसी का बढ़ेगा तो किसी में घट भी जाएगा। हाँ बताओ बताओ, कोई और स्ट्रक्चर आ रही है दिमाग में? हाँ, ये इनको जो है ना, आप ये जो पांच बॉन्ड्स है ना उनको आप अंदर बाहर के बजाय ये मान लो कि सेंट्रल एटम से 360 डिग्री के एंगल पे सारे लगे हुए, 72 डिग्री का एंगल है, बस अंदर बाहर का चक्कर ही खत्म। और उसके सेंटर से एक ऊपर उठा दो, एक नीचे कर दो, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, सो हाँ, मैं पुराना लेक्चर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा, ठीक है। बैकलॉग का मुझे ध्यान है, ठीक है, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। अभी ये टॉपिक अगले लेक्चर में और बढ़िया होने वाला है, और बढ़िया होने वाला है। आकर्षित तैयार करवाना चाहता था लेकिन मेरी फैमिली वेट कर रही है जो है बाहर, ठीक है ना, टू गो समवेयर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है। हाँ, देव सर को रखेंगे बैकअप में, ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।